सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेवजह यूँ खामोश होकर बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेकर बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। कुछ यूं मैं सुबह लेकर खड़ा रहा रात की चौखट पर, मानो कलेजे निकाल के रख दिया हो उनकी एक आहट पर। आजकल आवाजों में तो हर किसी की ताकत होती है, आप अपने विचारों को भी थोड़ी ताकत दो। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना, जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। आज का पंचांग 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि, सुबह 9:50 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:43 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मेष राशि 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, छानबीन और मूल्यांकन का समय बीत चुका है। अगर आप अनसुना या नाकामयाबी अनुभव कर रहे हैं तो शांत रहें। आपकी किस्मत आपकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। जहां आपका काम संतुलित है वहीं व्यक्तिगत जीवन जटिल हो सकता है। जो रिश्ते तनाव पैदा कर रहे हैं उन्हें समाप्त करना ही बेहतर है। आपके लिए आज के दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में सफलता दिलाएगा। याद रखें कि हर दिन अच्छा नहीं, किंतु हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। आज दिन का अधिकतर समय परिवार के लोगों के साथ किसी विशेष योजना संबंधित विचार विमर्श में व्यतीत होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का भी निमंत्रण मिल सकता है। एक समान काम की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आपको बदलाव करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। अगर आप अलग परिणाम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आपको काम में भी बदलाव नहीं करेंगे तो तकलीफें बढ़ सकती हैं। काम से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को शुरुआत में टाला जा सकता है, लेकिन अंत में इन जिम्मेदारियों को स्वीकार करके किसी भी काम से ना भागें। विवाह संबंधित हो रही तकलीफ दूर होने लगेगी। सावधानियां, बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आएगी, परंतु अभी वर्तमान परिस्थितियों के कारण धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। तनाव लेने से परिस्थितियां और अधिक विपरीत महसूस होगी। इस समय दूसरों की समस्याओं से दूर ही रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक संबंध उत्तम रहेंगे। कुछ समय परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव अथवा डिनर के लिए भी जरूर निकालें। प्रेम जीवन और रोमांस की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप दोनों की समझदारी और सूझबूझ ही काफ़ी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इस बात पर पूरा विश्वास करें। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे बस आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी अप्रत्याशित मानसिकता के कारण कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। जीवन के कुछ निर्णय भविष्य की योजनाओं से जुड़े होते हैं। अगर माहौल गर्म हो रहा है तो कभी कभी थोड़ा सा परिहास परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है। समस्याओं को दबाने की जगह उन्हें तुरंत हल करें। बात करते हैं करियर की। यह समय सार्वजनिक मामलों से दूर रहकर अपने करियर के विस्तार के बारे में सोचने का है। आपकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम व पुरस्कार आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। सरकारी एजेंसियों से भी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं।
आज कुछ भी आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा, इसीलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने कौशल को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, इससे आपको लंबे समय तक फायदा हो। रवैये को बदलने के लिए भी यह अच्छे लक्षण या अच्छे क्षण है। किसी भी काम में सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक काम के बोझ से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।